हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गैंगस्टर आनंद पाल की पुण्यतिथि के बाद बाड़मेर की राजनीति में भूचाल आ गया है। बाड़मेर यूआईटी की चेयरपर्सन प्रियंका चौधरी से जाट युवा नाराज हो गए हैं। नाराज जाट समाज के युवाओं ने एक वीडियो जारी कर प्रियंका चौधरी को चेतावनी देते हुए कई शर्तें रख दी हैं। बाड़मेर जिले सहित प्रदेश भर में रावणा राजपूत समाज की ओर से गैंगस्टर आनंद पाल की पहली पुण्यतिथि रक्तदान कार्यक्रम के रूप में मनाई गई। इसी क्रम में बाड़मेर में भी रावणा राजपूत समाज की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रावणा राजपूत समाज के लोगों ने बाड़मेर के स्थानीय नेताओं को कार्यक्रम का आमंत्रण दिया और विधायक मेवाराम जैन, यूआईटी चेयरपर्सन डॉक्टर प्रियंका चौधरी, कांग्रेस युवा नेता और आरसीए के नवनियुक्त कोषाध्यक्ष आजाद सिंह राठौड़ इस श्रद्धांजलि सभा व रक्तदान कार्यक्रम में पहुंचे। दरअसल आनंद पाल की पुण्यतिथि में जाना इन नेताओं को भारी पड़ गया। भाजपा नेत्री एवं यूआईटी चेयरपर्सन प्रियंका चौधरी का इस श्रद्धांजलि सभा में जाना जाट समुदाय के लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने भाजपा नेत्री को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भाजपा नेत्री ने फेसबुक पर वीडियो जारी कर मामले में सफाई देते हुए कहा कि उन्हें यह पता नहीं था कि जिस रक्तदान शिविर में वह जा रही हैं वहां कुख्यात अपराधी गैंगस्टर की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वे किसानों की आवाज़ हमेशा उठाती रहेंगी। आनंद पाल की पुण्यतिथि के बाद से ही बाड़मेर की राजनीति में भूचाल मच गया है और स्थानीय नेताओं को सोशल मीडिया पर जमकर कोसा जा रहा है। इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक तेजाजी महाराज के नारे लगाते हुए अपने आप को तेजा सैनिक बता रहे हैं और एक युवक वीडियो में यूआईटी चेयरपर्सन डॉक्टर प्रियंका चौधरी को चेतावनी देने के साथ तीन शर्तों को मानने पर जाट समुदाय द्वारा समर्थन देने की बात भी कह रहा है। वीडियो में तथाकथित तेजा सैनिक ने प्रियंका चौधरी पर निशाना साधते हुए आनंद पाल की पुण्यतिथि में जाने की बात पर जमकर आलोचना कर रहा है। वहीं उसके द्वारा भाजपा पार्षद व एक अन्य के साथ ना दिखने की नसीहत भी दी जा रही है। वीडियो में युवक प्रियंका चौधरी को चेतावनी देते हुए कह रहा है कि यदि आपको जाटों का समर्थन चाहिए तो 3 जुलाई को जाट छात्रावास में गैंगस्टर आनंद पाल का पुतला जलाया जाएगा। यदि आप वहां पहुंचते हैं तो ही आपको जाटों का हितेशी समझा जाएगा। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।